कि जहां पर रेवाड़ी में डिप्टी सीएम की जनसभा, तीन सभाओं को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। कोसली बावल रेवाड़ी में डिप्टी सीएम की जनसभा, बावल के गांव खजूरी में दोपहर 1:30 पर करेंगे संबोधित। गांव सहारनवास में 2:30 होगी जनसभा। रोड़ाई में 4:30 होगी डिप्टी सीएम की जनसभा। तो बावल के गांव खजूरी में दोपहर 1:30 करेंगे संबोधित। गांव सहारनवास में 2:30 होगी जनसभा। तो वहीं रोड़ाई में 4:30 होगी डिप्टी सीएम की जनसभा। रेवाड़ी में डिप्टी सीएम की जनसभा का आयोजन, तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। कोसली बावल रेवाड़ी में डिप्टी सीएम की जनसभा, बावल के गांव खजूरी में दोपहर 1:30 होगी सभा और जनता को करेंगे संबोधित। वहीं कोसली बावल रेवाड़ी में डिप्टी सीएम की जनसभा का आयोजन, तमाम जानकारी पर हमारे साथ हरियाणा के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद गुप्ता जी। विनोद जी, तीन सभाएं डिप्टी सीएम करेंगे, इन सभाओं के क्या मायने दिखे जाएं? तो अगर बात की जाए, आज रेवाड़ी के तीन एरिया में है, बावल हो गया और उसके साथ साथ खजूरी हो गया, सारनावास हो गया, रोड़ाई हो गया, इन जगह डिप्टी सीएम की जनसभा होगी। और जनसभा को क्या है, आने वाले 2024 को चुनाव को लेकर भी है, साथ के साथ उपचुनाव को लेकर भी वो जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को निशाना साधेंगे। और आज शायद फैसला, उन्होंने कल जैसे फैसला लिया है उपचुनाव को लेकर, सपोर्ट किया है भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव को लेकर। और 2024 का जो बात की जा रही है, मोस्टली 2024 को लेकर ही ये जो जनसभा संबोधित की जा रही है जी। तो क्या माना जाए विनोद जी के 2024 की चुनाव की जो विसात है, वह अब से जो डिप्टी सीएम की जो तीन सभाएं है उससे शुरू हो गई है? जिससे आज जनसभा शुरू होनी थी, क्योंकि पहले भी आज से पहले भी दो से तीन बार मौसम की वजह से जो है इनकी या किसी और जरूरी काम की वजह से दो बार जनसभा पोस्टपोन हो चुकी थी, परंतु आज जो है मौसम भी ठीक है और समय भी ठीक है, इसको देखते हुए अब दो तीन जगह जो जनसभा दुष्यंत चौटाला करेंगे मुख्यमंत्री हरियाणा जी। इसको लेकर क्या कांग्रेस के जो नेता है उनसे क्या बात हुई है, क्या उन्होंने कुछ इस सभाओं को लेकर, इन सभाओं को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जनसभा मुख्यमंत्री है, जनसभा संबोधित करें, उनसे दूसरी पार्टी की बात करें, अब चुनाव है आदमपुर के अंदर, अगर विपक्षी पार्टी की बात करें उस सभी पार्टियां आदमपुर के ऊपर फोकस है उनका, जनसभा है कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आदमपुर पर फोकस है। हाँ बात की जाए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की, तो ये जनसभा पहले से ही निर्धारित थी जो अब आज की डेट में पूरी हो जाएंगी जी। जी धन्यवाद विनोद जी, आपने तमाम जानकारी हम तक साझा की। तो आपको खबर रेवाड़ी से बता रहे थे, जहां पर डिप्टी सीएम आज तीन सभाओं को करेंगे अलग अलग जगह पर, और यह जो सभाएं हैं चुनावी मुद्दों को लेकर 2024 की विसात को लेकर, जैसे कि हमारे संवाददाता माफी चाहेंगे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता ने साझा की।